हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया यूएस के वैक्सीन पार्टनरशिप के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पे जो है, दोनों ही देशों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और यूएस के जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, यहाँ पे वाशिंगटन में जो है, जो एक उनके बीच में जो मीटिंग आयोजित हुई, तो यहाँ पे दोनों ही देशों के जो यहाँ पे मिनिस्टर्स ने यहाँ पे काफ़ी चीज़ों के ऊपर बात की। यहाँ पे मेनली जो वैक्सीन पार्टनरशिप जो यूएस इंडिया के लिए करने वाली है, जो जो भी यूएस सप्लाई देने वाली है इंडिया को यहाँ पे, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन एक्चुअली में ये है क्या, वैक्सीन डिप्लोमेसी बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और रिलेटेड टू वैक्सीन डिप्लोमेसी, इंडिया के फेवर में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, या फिर आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि जो यूएस के हिसाब से जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एंटोनी ब्लिंकन, दोनों के ही बीच में जो है 28 में को जो है वाशिंगटन में एक जो मीटिंग आयोजित थी। तो काफी सारे चीजों के ऊपर, पहलू के ऊपर यहाँ पे बात की गई थी रिगार्डिंग इंडिया और यूएस के जो बायलेटरल कोऑपरेशन से रिलेटेड हो गई, अलग अलग रीजनल या फिर जो ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बात हुई। यहाँ पे दोनों ही देशों ने यहाँ पे इंडो पैसिफिक के बारे में बात की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एरिया है इंडो पैसिफिक। क्वाड के ऊपर बात की, क्वाड में जैसे कि आप जानते हैं जापान ऑस्ट्रेलिया भी इंक्लूडेड है विथ इंडिया एंड यूएसए। देन म्यांमार के जो रेफ्यूजी मैटर्स के ऊपर बात हुई, अफगानिस्तान के ऊपर मैटर में जनरली इंडिया और यूएसए जब मिलती है तो बात होती है। यूएनएससी के ऊपर भी बात हुई, यहाँ पे जो इंडिया की एक जो अपील है कि परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो मेनली यहाँ पे सभी पहलुओं के ऊपर बात की गई, और उसके अलावा मेन फोकस जो किया गया था इंडिया यूएसए के वैक्सीन पार्टनरशिप के बारे में। तो क्या है ये वैक्सीन पार्टनरशिप, तो मेनली देखिए, तो यहाँ पे यूएसए जो है, यहाँ पे जो इंडिया को वैक्सीन सप्लाई कर रही है, अलग अलग देश जो अलग अलग तरीके से मदद कर रही है भारत को, तो यूएसए उसको एक्सपांड करना चाहती है। तो यहाँ पे यूएस के गवर्नमेंट ने अलग अलग जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है या सप्लाईज है, उनको काफी सारे ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन है, उसके 20 मिलियन एक्स्ट्रा जो डोजेस है उसको मैन्युफैक्चर करके इंडिया भेजने की तैयारी हो रही है यहाँ पे। तो यूएस के गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी, इससे पहले भी अगर बात करेंगे, इंडिया में जो सेकेंड वेव जो भी तबाही मचा चुकी है, उसके से निपटने के लिए लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है इंडिया के लिए यहाँ पे भेजा था, इंडिया के लिए मदद की थी यहाँ पे। तो अगर बात करें हम लोग एस्ट्राजेनेका पीएलसी, तो ये क्या है, एक ब्रिटिश स्वीडिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया है। और माना जाता है कि अलग अलग यहाँ पे बीमारियों से रिलेटेड ये काफी इफेक्टिवली काम करती है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि वैक्सीन डिप्लोमेसी, तो यहाँ पे देखें दोनों ही देशों के बीच में जो वैक्सीन जो यहाँ पे मेनली जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी से भी ये रिलेटेड है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है, ये एक ब्रांच है ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी, जिसके थ्रू एक नेशन दूसरे नेशन को क्या करती है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो वैक्सीन हो, मेडिकल डिलीवरी इक्विपमेंट हो, मेडिकल इमरजेंसी इक्विपमेंट हो, उसको डिलीवरी करके आपस में जो है स्ट्रेंथ को मजबूत करती है। तो इसमें क्या होती है कि एक कहावत जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो मुसीबत का साथी सच्चा साथी होता है। तो यहाँ पे यूएसए ने है यहाँ पे अलग अलग तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी को जो मेंटेन करके रखा हुआ है, या फिर अलग अलग देशों ने भी भारत के साथ करके रखा हुआ है, भारत ने अलग अलग देशों के साथ करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या होता है कि जो भी साइंटिस्ट है अलग अलग देशों के, उन लोग जॉइंटली कोलाबोरेशन के साथ यहाँ पे काम करते हैं, चाहे वो लाइफ सेविंग वैक्सीन से रिलेटेड काम हो, कुछ यहाँ पे प्रोग्राम से रिलेटेड हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। यानी कि मान लीजिए कि अगर दो देश के साइंटिस्ट है, इंडिया और चाइना, एक साथ यहाँ पे काम कर सकते हैं, मान लीजिए कि ईरान और यूएसए के साइंटिस्ट भी एक साथ काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है
आपस में रिलेशन कैसे ही है दोनों देश के, इसको नहीं देखा जाता है। मेनली यहाँ पे डेवलपमेंट या फिर साइंटिफिक कॉजेस के बीच में यहाँ पे देखा जाता है, और क्या पता इससे दोनों ही देशों के बीच में आपसी तनाव मिट के इसको डेवलप भी किया जा सके। तो मेनली अगर बात करेंगे थ्रू इंडियाज पर्सपेक्टिव, ये एक बहुत ही इनोवेटिव अपॉर्चुनिटी है ताकि दो देश के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप्स को सुधारा जा सके। तो इंडिया के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है उसको देखिए जरा, कि अगर बात करेंगे अर्निंग लॉन्ग टर्म गुडविल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है अलग अलग जो साउथ एशियन कंट्रीज हो, फिर कुछ कुछ जो अफ्रीकन कंट्रीज को अलग अलग तरीके से बहुत बार हेल्प कर चुकी है, चाहे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी हो यहाँ पे, जो है मास्क हो यहाँ पे, जो प्रोटेक्टिव सूट्स हो यहाँ पे, उसको भेज के बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो एक क्या होता है कि गुडविल डेवलप होती है कि भारत हमें हेल्प कर रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक गुडविल क्रिएट किया जाता है यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि अगर बात करेंगे थ्रू चाइनीज, यहाँ पे चाइना ने भी अलग अलग देश, मान लीजिए कि पाकिस्तान हो गई, नेपाल हो गई, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऐसे ऐसे देशों को यहाँ पे मेडिकल हो गई, मास रिलेटेड डिप्लोमेसी के थ्रू यहाँ पे अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। तो इंडिया अगर उससे पहले अगर वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू ये फील्ड जो है अगर अपने नाम कर लेती है, इंडिया के पास एक एडवांटेज होगा कि चाइना के जो इम्प्रेशन रिगार्डिंग कोविड 19 बहुत ही अच्छी नहीं है, तो इंडिया को काफ़ी सहायता मिलेगी यहाँ पे गुडविल क्रिएट करने में, लीवरेज ओवर वेस्टर्न कंट्रीज। क्योंकि देखिए कि अगर यहाँ पे जो है मिडल ईस्टर्न कंट्रीज हो गया, फिर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, तो यहाँ पे उन लोग जो है इंडिया को, यहाँ पे इंडिया से अलग अलग जो वैक्सीन जो हो गई, यहाँ पे मास्क हो गए, जो काफ़ी कम दामों मिलते हैं, इंडिया को अप्रोच कर रही है, क्योंकि उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक्सपेंसिव जो यूएस या फिर यूरोप के प्रोडक्ट्स को। तो इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है ताकि इंडिया जो है उसको यूज़ कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आसानी होगी यहाँ पे, इंडिया में एक ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पे, कैसे कैसे यहाँ पे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इंडिया में सेटअप किया जा सकता है, एक यहाँ पे टारगेट रखा जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉरेन मनी जो है इंडिया में आ रही है, डेफिनेटली इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे उसको क्रिएट करके एक जो नेशनल इकोनॉमी को यहाँ पे बूस्ट करने के लिए बहुत ही आसानी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन डिप्लोमेसी स्ट्रेटेजिक रीजंस के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल रीजंस के हिसाब से, या फिर इकोनॉमिक रीजंस के हिसाब से। तो इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि एक ही टॉपिक्स में आपको ये भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको मेंस हो गई या फिर ऐसे रिलेटेड टॉपिक्स में ऐसे पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया यूएसए का वैक्सीन पार्टनरशिप, इन एंड आउट कोशिश की इसको डिस्कस करने के लिए। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए, स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।